नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट एवाकिन लोवेस के बारे में। रिसेंटली अपना जो पोकेफन है इसके लिए प्रोजेक्ट एवाकिन का जो 1.10 वर्जन अवेलेबल हो गया है ऑफिशियल बिल्ड एंड्रॉइड 11 के साथ, एंड कुछ कुछ चीज़ को यहाँ पर चेंजेस किया गया है। अभी फिलहाल जितने भी रॉम है दोस्तों, सभी रॉम काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुका है एंड्रॉइड 11 के साथ। हम देखने को मिलता है बहुत सारे फीचर्स, बट अभी जो नए नए फीचर्स से कोई भी कस्टमर हमके अंदर डाला नहीं जा रहा है। इसके वजह जो मेन रीज़न है, अभी जितने भी रॉम डेवलपर है दोस्तों एंड्रॉइड 12 का जो स्टेबल रिलीज है उसके लिए वेट कर रहे हैं। जब एंड्रॉइड 12 का स्टेबल रिलीज होगा तो अपना जितने भी कस्टमर हमें सभी कस्टमर के अंदर आपको एंड्रॉइड 12 का जो फीचर्स है वो देखने को मिल जाएगा। इसलिए अभी फिलहाल रिसेंटली जितने भी अपडेट हो रहा है दोस्तों, सभी अपडेट के अंदर माइनर चीज़ को दोस्तों यहाँ पर ऐड करके दिया गया है। कोई मेजर अपडेट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जो जो बग्स हमें देखने को मिलता था उसको ही मेनली फिक्स करके दिया गया है। कोई भी बड़ा फीचर और कोई भी मेजर अपडेट अभी फिलहाल देखने को हमें नहीं मिलता है इस एवाकिन ओएस के 1.10 बिल्ड के अंदर। तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। उसके पहले आप सेटिंग्स मेनू देख लीजिए। सेटिंग्स मेनू कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाती है। अबाउट फोन के अंदर चलते हैं तो देखिए बारो एंड्रॉइड जो वर्सन है एंड्रॉइड 11 हमें देखने को मिल गया है, एंड एवाकिन का जो वर्सन है 1.10 है, एंड कोड नेम भी आप देख सकते हो ऑफिशियल बिल्ड है। मेंटेनर का नाम भी देख पाओगे। 5th अगस्त 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट हमें देने को मिल गया है। जो कर्नल यूज़ किया गया है 4.9 का सिल्वर कोर 9.6 कर्नल को यूज़ किया गया है, एंड ए जो बिल्ड है दोस्तों इनफोर्सिंग वाला बिल्ड हमें देने को मिलता है, एंड ए जो बिल्ड है दोस्तों अगस्त 4 के अंदर रिलीज किया गया है अपने पोको एफ1 के लिए। ना दोस्तों बात कर लेते हैं इस बिल्ड के अंदर क्या क्या फीचर्स हमें देने को मिलता है। सो सबसे पहले एवाकिन ओएस के अंदर जो फीचर्स पहले से था वही फीचर्स हमें देने को मिल जाती है, बट इस बिल्ड के अंदर कुछ कुछ चीज़ को फिक्स करके दिया गया है, कुछ कुछ चीज़ को करेक्ट किया गया है, कुछ कुछ चीज़ को ऐड करके दिया गया है। कोई मेजर अपडेट इस जो बिल्ड है नहीं है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको एवाकिन सीरीज के अंदर से थीम के अंदर चलते हैं, एंड थीम के अंदर यहाँ पर जो आपको स्टॉक विलियम पेन स्टाइल से यहाँ पर हमें MIUI कंपैक्ट कर लेते हैं। MIUI कॉम्पैक्ट के अंदर दोस्तों हम यहाँ पर जो अलार्म का स्लाइडर है उसे ऐड करके दिया गया है। देख सकते हो ये जो अलार्म का स्लाइडर इसे ऐड करके दिया गया है। अलार्म वॉल्यूम स्लाइडर जो है MIUI कॉम्पैक्ट वॉल्यूम पैनल के अंदर ऐड करके दिया गया है। सो ये जो आप ऑप्शन देख पा रहे हो, ये जो ऑप्शन देख पा रहे हो अलार्म का ऑप्शन, इसे ऐड करके दिया गया है इस बिल्ड के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर जो अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, बिल्ड इन स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसके अंदर हमें एक चेंजेस किया गया है। तो बिल्ड इन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर अभी फिलहाल जो मैक्स फ्रेम रेट की लिमिट है उसे सेट करके दिया गया है। अभी आप 60 FPS के ऊपर जो है स्क्रीन को रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। ये तो भाई सब नॉर्मल स्टाफ है, एंड यहाँ पर आप कलर को चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर फॉन्ट भी देखने को मिल जाएगा। ये सभी जो ऑप्शन सब देखने को मिलता है। और एक चीज़ को यहाँ पर ऐड करके दिया गया है जो कि आपको देखने को मिलेगा सिक्योरिटी के अंदर। तो यहाँ पर सिक्योरिटी के अंदर से देख सकते हो आपको फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट एंड ऐप लॉकर भी देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पर फेस अनलॉक को ओपन करते हैं। तो फेस अनलॉक के अंदर आप चाहो तो जो आपका लॉक स्क्रीन है उसको ना दिखा के डायरेक्ट जो है होम स्क्रीन में ला सकते हो, मतलब बाईपास लॉक स्क्रीन आफ्टर यूजिंग फेस अनलॉक का जो फीचर है यहाँ पर डाल देंगे। ये जो ऑप्शन है इसे हमें देखने को मिल जाती है। बाय द वे आप चाहो तो जो पेमेंट है उसे पेमेंट को भी आप चाहो तो फेस के साथ कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। एनी वे अगर बात करो फिंगरप्रिंट की तो यहाँ पर देखिए टैप किया एंड ओपन हो गया। वंस अगेन इस फिंगर के साथ टैप किया ओपन हो गया फिंगरप्रिंट काफी फास्ट है। नाउ फेस अनलॉक की बारी, देखो काफी फास्ट है फेस अनलॉक काम कर रहा है, फिंगरप्रिंट आपका काम कर रहा है। आप चाहो तो जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उसके अंदर अपना जो फेस है उसे यूज कर सकते हो। ये काफी बढ़िया बात है, देखो फेस यूज कर सकते हो, काफी अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेता है अपने फेस को। यहाँ पर फिर से चलते हैं एवाकिन सीरीज के अंदर, देन थीम के अंदर। यहाँ पर हमें दोस्तों पर ऐप वॉल्यूम रोज देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पर देखिए बारो, सो यहाँ पर शो ऐप वॉल्यूम, मतलब आप हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग जो वॉल्यूम पैनल है उसे, मतलब अलग अलग जो वॉल्यूम है उसे सेट कर सकते हो, इसे डाल दिया गया है। एंड उसके साथ साथ दोस्तों इस बिल्ड के अंदर कोई भी बग्स हमें देखने को नहीं मिलता है। जितने भी बग्स है उसे दोस्तों फिक्स करके दिया गया है। जैसे आपको बोला एंड्रॉइड 11 जो है अभी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका है, एंड अभी आपको कोई भी बग्स आपको यहाँ पर इस बिल्ड के अंदर देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दोस्तों जो स्टेटस बार कैपेसिटी उसे चेंज कर सकते हो, क्विक सेटिंग्स पैनल कैपेसिटी को चेंज कर सकते हो, जी विजुअल मोड देखने को मिल जाती है, एंड यहाँ पर आपको क्लॉक भी देखने को मिल जाती है। हम बात कर रहे थे दोस्तों यहाँ पर जो एंड्रॉइड 10 का क्लॉक हमें देने को मिलता है, यहाँ पर देखिए एंड्रॉइड 10 का जो क्लॉक देखने को मिलता है, इसके अंदर जो थंबनेल का जो प्रीव्यू है दोस्तों ब्लैक आ रहा है, इसे फिक्स करना चाहिए था, अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। बट एंड्रॉइड 12 का जो क्लॉक है हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है जो कि काफ़ी सही है। ये जो प्रीव्यू है
देखो देख पा रहे हो बाकी फ्लूइड के अंदर काम कर रहा है, डीपीआई 3 के अंदर काम नहीं कर रहा है। बाकी आपका एंड्रॉयड 12 का जो प्रीव्यू क्लॉक है इसे फिक्स करना चाहिए, अभी तक फिक्स नहीं हुआ है जिस मैंने नोटिस किया है। नेक्स्ट सेटिंग्स के अंदर फिर से बाकी सेटिंग्स के अंदर आपका यहाँ पर जो आइकॉन शेप के अंदर आइकॉन शेप नहीं भाई सब डिवाइस आइकॉन ओके इसके अंदर सर्च बार आइकॉन स्टाइल के अंदर जो हमें काई एंड जो वेक्टर है इसके अंदर जो आइकॉन पैक का इशू हो रहा था उसे फिक्स करके दिए गए इस बिल्ड के अंदर। एंड जो अगर आप कैप्शन यूज करते हैं लैंडस्केप मोड के अंदर वॉल्यूम पैनल के साथ तो उसे भी फिक्स करके दिया गया है। एंड आपको जो नोटिफिकेशन एंड जो रिंग वॉल्यूम के लिए जो राउंडेड आइकॉन पैक है उसे भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा राउंडेड आपको देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर जो आपका डिस्प्ले है एंड जो आपका एड्रेनो ड्राइवर है दोस्तों उसे अपडेट करके दिया गया है 1+6 अपने पोको फोन के लिए। एज वेल जो स्नैपड्रैगन का इंजन है उसे भी अपडेट करके दिया गया है 1+6 अपने पोको फोन के लिए। एंड जो आपका कास्ट स्क्रीन है वो भी काम कर रहा है इस बिल्ड के अंदर जो काफ़ी बढ़िया बात है। सो ओवरऑल ये जो बिल्ड है इस बिल्ड के अंदर मेनली आपका छोटे मोटे चेंजेस किया गया है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। बाकी अगर बात करूँ बैटरी बैकअप की देखिए पा रहे हो लगभग 88% के आसपास मेरे फोन का चार्ज अभी तक बैटरी है। 7 आवर्स को मैंने चार्ज किया था 9 मिनट के यूजेज से एंड जस्ट फोन को मैंने चार्ज करके छोड़ दिया। एंड बाकी देख सकते हो बैटरी ड्रेन का जो पैटर्न है मेरे हिसाब से बैटरी बैकअप सही है। एंड यह सब दोस्तों परफॉर्मेंस ब्राउजर कैमरा गेमिंग स्ट्रीमिंग ये सभी चीज़ को डाल सकते हो, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। बैटरी सेवर का भी ऑप्शन को मिल जाती है, अडैप्टिव बैटरी का भी ऑप्शन है, स्मार्ट चार्जिंग स्मार्ट कट आउट का भी जो ऑप्शन है वो भी हमें देखने को मिल जाती है। बाकी लाइफ टाइप डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर आप कलर प्रोफाइल को डाल सकते हो, डायनामिक स्टैंडर्ड sRGB कलर कैलिब्रेशन के अंदर सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट ये सभी चीज़ हमें देखने को मिलता है। एंड डबल टैप का ऑप्शन है, पॉकेट मोड का ऑप्शन देने को मिल जाती है जो काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर टच वाइब्रेशन को बंद कर पाओगे, उसके बाद यहाँ से वाइब्रेशन पैटर्न को डाल सकते हो। एंड जब का नोटिफिकेशन एंड जो रिंग वॉल्यूम है उसे आप लिंक कर पाओगे। यहाँ पर MI का साउंड एनालाइजर देखने को मिलता है, हेडफोन टाइप को चूज कर पाओगे, प्रीसेट को चूज कर पाओगे। ये जो रॉम है काफ़ी सही रॉम है, काफ़ी अच्छा खासा कस्टमाइजेशन आपको इस रॉम के अंदर देखने को मिल जाती है जो काफ़ी बढ़िया बात है अगर आपको कस्टमाइजेशन पसंद है तो। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाती है जो कि आप यूज़ करके खुद से ड्राइंग करके देखिए। एंड सिस्टम के अंदर कोई भी चेंज फिलहाल नहीं है। एवाकिन सीरीज के अंदर आपको कस्टमाइजेशन भी देने को मिल जाती है, बहुत सारी कस्टमाइजेशन देने को मिलता है। ऐसे देख पा रहे हो बैटरी परसेंटेज, बैटरी स्टाइल, ट्रैफिक इंडिकेटर ये सभी जो चीज़ है। बाकी सेंसर को ब्लॉक कर सकते हो, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन हो जाए, लॉन्च म्यूजिक एप्लीकेशन वेन कनेक्टेड टू हेडफोन, डेडिकेटेड गेमिंग मोड देने को मिल जाती है। एंड एज वेल यहाँ पर एम्बेडेड डिस्प्ले के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, पॉकेट मोड ये सब है। नोटिफिकेशन के अंदर भी आपको बहुत ढेर सारी ऑप्शन देने को मिल जाती है। सो कस्टमाइजेशन नेक्स्ट लेवल है। अगर आपको एक अच्छा खासा स्टेबल बिल्ड चाहिए दोस्तों तो एवाकिन OS को ट्राई करके देखो, आपको काफ़ी अच्छा स्टेबल बिल्ड देने को मिल जाएगा। थोड़ा बहुत दोस्तों को बग देने को मिलेगा, जैसे क्लॉक प्रीव्यू के अंदर बग है, बट वो जो बग है मेजर बग है, ज़्यादा कुछ ह्यूज बग नहीं है। बाकी काफ़ी अच्छा कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा। थीमिंग का भी काफ़ी अच्छा जो ऑप्शन जो है हमें देखने को मिल जाती है। नाउ दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हुए यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसे इस रॉम का, तो हमने यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर जो गीकबेंच का स्कोर है वो दिखा देते हैं। सो यहाँ पर जो अपना हिस्ट्री उसके अंदर चलते हैं, 357 देखने को मिला है सिंगल कोड के अंदर, मल्टी कोड के अंदर 1282 जो कि काफ़ी बेकार आया है परफॉर्मेंस, एवरेज से काफ़ी कम हमें देखने को मिला है। तो परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें बढ़िया देखने को नहीं मिला है। मैजिक की अगर बात करूँ यहाँ पर मैजिक के अंदर से मैजिक हाइट ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं, देखते हैं जो बैंकिंग एप्लीकेशन होगा गूगल पे फोनपे इस तरह की एप्लीकेशन काम करते नहीं एंड होपफुली काम करना चाहिए। बैंकिंग एप्लीकेशन पास हो गया है, इसका मतलब बैंकिंग एप्लीकेशन काम करेगा इस रॉम के अंदर नो इशू एट ऑल, बाय डिफॉल्ट काम करता है। कैमरा 2 MP के अंदर फुल का सपोर्ट है, तो जितने भी गूगल कैमरा फुल को सपोर्ट करते हैं तब सभी दोस्तों इस डिवाइस पर काम कर जाएगा। एंड गूगल कैमरा गो भी काम कर रहा है, बाय डिफॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन जो है ये वाला देखने को मिलता है, एकदम बेसिक से कैमरा एप्लीकेशन है ये भी काम कर रहा है। एंड यहाँ पर सिंपली आपको मैं 3D मार्क का दिए, तो अपना 3D मार्क जो है दोस्तों वो यहाँ पर इस डिवाइस के अंदर डाउनलोड नहीं हो रहा है, प्ले स्टोर के अंदर सर से बोल रहा है योर डिवाइस इज नॉट कंपेटेबल विथ दिस पर्सन, आई डोंट नो वाई। एनीवे हमने सीपीयू टेस्ट भी किया था यहाँ पर 5 मिनट के लिए एंड टेस्ट किया था, जो रिजल्ट हमें देने को मिला है काफ़ी बेकार है। एंड जो मैक्स एंड एवरेज के अंदर डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है, एंड सिल्वर कोर कर्नल जो है बैटरी सेंट्रिक कर्नल है इसलिए परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ज़्यादा छोड़ता है, तो इसलिए आपको परफॉर्मेंस शायद बढ़िया देखने को ना मिले।
एनीवे अगर आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप इस सॉन्ग को डाउनलोड करना चाहते हो अपने पोको फोन के लिए, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सॉन्ग का जो डाउनलोड लिंक है प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ जाकर चेकआउट करके देखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।